अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोमो फ्रॉम द ट्रैवल मोमो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल की वीडियो में हम त्रिपोली पहुंच गए थे। तो आज सुबह सुबह ही हम एम्बेसी आ गए, क्योंकि एम्बेसी में लोगों को काम करवाने थे। सुबह 7:30 हो रहे हैं, एम्बेसी आ गए हैं। मैं आपको एम्बेसी की कुछ झलक दिखाता हूँ। लेकिन यह है कि उन्होंने बहुत हिम्मत और कोशिश और अपनी पूरी लगन के साथ काम किया है और इसमें कामयाबी हासिल की है। जो दो दिन का टारगेट था उन्होंने एक दिन में और एक दिन भी क्या बल्कि विद इन ऑफिस आवर्स उन्होंने मुकम्मल किया। तो ये सब जो है ना, आपका भी तावन का शुक्रिया है कि उनके साथ तावन किया और उन्होंने फिर उसी तावन को कर करते हुए आपकी खिदमत अच्छे तरीके से कर दी। क्योंकि ये गाड़ी एक खास नहीं बचती, आप सब गुजरात आए हैं सबको दे दो ना। ये मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, जो भी आपके इस ट्रिप के सिलसिले में कमेंट्स हैं, आप इन पे जैसे भी है, आपको अच्छा है या बुरा है, बिना किसी तल्लक के भाई आपको सिर्फ अच्छाई के लिए कहा जा रहा है, कोई भी आपका इस ट्रिप के सिलसिले में जैसा भी कमेंट्स हैं आप दे दें, एक साहब को दे दें। ऊपर सजेशन और कंप्लेंट बॉक्स है, उसमें खामोशी से डाल दें, किसी को रिसीव भी नहीं करवाना। वो फिर मैं खुद खोलूँगा और उसमें से मैं खुद निकाल के मैं इसको चेक करूँगा। अगर कहीं डेफिशिएंसीज हुई तो इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश की जाए, ठीक है। और अगर आपकी तरफ से कोई राय हुई तो वो भी, लेकिन इस ट्रिप के बारे में कहूँगा, क्योंकि इस वक्त हम दो गवर्नमेंट में थोड़ा डिवाइडेड हैं, इसलिए अभी पूरी तरह से मैं जो आप ऑब्जेक्शन करना चाहेंगे मैं उसको कवर अप नहीं कर पाऊँगा। आप इसको बेहतर ध्यान से, सिर्फ मैं आज के जो ट्रिप आपने किया है उसके बारे में आपकी राय लूँगा, आपको कैसा लगा, कैसा बिहेव हुआ। और इसी को आगे चलते हुए जितने इस वक्त मेरे भाई नहीं है बेंगाली से आ सके, उनको मैं वेलकम करूँगा। हमारी असल में कोशिश है कि हम उधर जाएँ, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं कि हम उधर जा पाएँ। तो जैसे ही हालात बने इंशाल्लाह आप खुद हाजिर होंगे आपकी जन्म से, और कोशिश होगी वहाँ पर भी इसी तरह आपकी खिदमत करें जैसे हम यहाँ पे आपकी खिदमत पेश कर रहे हैं। सवाल एक MRP का एक ऐसा है जो कि ऑनलाइन है, उसमें हम उधर खिदमत नहीं दे सकते, उसके लिए डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा। अदर जो दूसरी फैसिलिटीज हैं जिस हम स्टैम्प उठा के लेके जा सकते हैं, जो हम अपना और कौनसल एक्टिविटीज़ के मटेरियल लेके जा सकते हैं, उसके लिए हम हाजिर हैं। तो MRP के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हजरात के अरसा दराज से मैनुअल पासपोर्ट चाह रहे हैं, जो ना सिर्फ हमारे लिए पैसे शर्मिंदगी है बल्कि हमारे पाकिस्तान के लिए पैसे शर्मिंदगी है कि एक डिजिटल फोरम आने के बावजूद दहाइयाँ गुजर गई हैं, लेकिन हमारे भाइयों के पास इधर लिबिया में जो मुझे आकर बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई थी कि मैनुअल पासपोर्ट, जिसको कि हम वापस पासपोर्ट आपको जमा करवा चुके बाकी पैसियों में, लेकिन यहाँ पर मैनुअल पासपोर्ट चल रहे हैं, जिसको कि जो है ना आप कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के तामस है कि उसको MRP में कन्वर्ट करें। एक दफ़ा MRP में कन्वर्ट हो गया तो इंशाल्लाह आपको ट्रैवलिंग मज़ीद आसान हो जाएगी, आप अपने लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करेंगे इसी में। तो मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, भूख सबको लगी होगी,
अगर आपने कुछ बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। आप कह रहे थे कि फोटोशूट खिंचवानी है तो आप आ जाएं मेरे साथ, कोई मसला नहीं है, आप फोटो खिंचवा लें। आप आ जाए, पूरा ग्रुप आ जाए, पूरा ग्रुप आ जाए। अभी मुझे एक सवाल आया कि आपके लिए जो पासपोर्ट बनेंगे उनके डिलीवरी का सिस्टम क्या होगा? उसकी डिलीवरी का सिस्टम ये है कि आपने टोकन दे दी है, सबसे अच्छा तरीका कार ये है कि आपकी जो वहाँ पे स्कूल जैसे हैंडल करता था, अगर वही तरीके को अडाप्ट किया जाए तो सबके लिए आसानी रहेगी। उसकी वजूहत ये है कि अगर आपके पास टोकन रहेगा तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अगर आप टोकन छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपको मुनासिब है हम उसी तरह करेंगे जिस तरह आपको आसानी रहेगी। हमें किसी तरह के इम्पोज करने की कोई वो नहीं है पोजीशन में कि आप हमारे पास छोड़ के जाएं, लेकिन हम अच्छा सोल्यूशन यही सोच रहे हैं कि जैसे पहले माजी में आपके इधर हमारे भाई आते थे अप्लाई करके जाते थे और उधर से हमारे जो स्कूल वाले सबमिट करते थे हम उनको भिजवा देते थे पासपोर्ट बने बनाए। सबमिट नहीं कर रहा वापस, गवर्नमेंट की तरफ से बैन है कि अगर आपका कोई भी पासपोर्ट यहाँ आता है, पहले भी आए हैं और वो लेकर गए हैं, कुछ लोगों की रसीदें और ओरिजिनल पासपोर्ट साथ चले गए हैं, अभी तक वापस नहीं, स्कूल में जाना मना है गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी तरफ से। फिर आप में से किसी भी भाई को थोड़ी जमा करनी पड़ेगी, या फिर ये है कि DHL के वो जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो फिर जमा कराएँ, या जो भी सिस्टम है मैं चाहे जो अपने किधर गया वसीम भाई को जमा कराएँ। हाँ जी सर, इनके DHL के चार्जेस का क्या सिस्टम है, हम गवर्नमेंट से उसमें एक्सपेंसिस निकाल सकते हैं या नहीं? नहीं, आप फिर अपने DHL चार्जेस जो है ना जो भी बनते हैं वो फिर पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, मुझे नहीं पता कितना बनता है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मिस्टर फैयाज अहमद खुद उठकर अपने हाथों से जितने भी मेहमान गए हुए हैं एम्बेसी में उन सबको अपने हाथों से खाना सर्व कर रहे हैं। पिछले 40 साल में कितने लोग आए कितने गए, लेकिन इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी जिस तरह इन्होंने हमारी मेज़बानी की है, हर बंदा हर आदमी जो वहाँ पर मौजूद था उसके पास अल्फाज नहीं थे कि वो इनकी किस तरह से किस लिहाज से इनका शुक्रिया अदा करे। इनकी इतनी तारीफ हो रही है, इस वक्त बिरगाज़ी में आके लोग सारे रास्ते जैसे ही लोग वापस आ रहे थे सब लोगों ने इनकी इतनी तारीफ़ की है। ये आपके सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह उठकर हर एक आदमी को खुद खाना सर्व कर रहे हैं। ये एक एम्बेसडर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक भी हैं। इनके जो ब्रॉड विजन्स हैं वो भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको इनकी मकसद में कामयाबी अता फरमाए, और जिस तरह का ये अपने आप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं चल रहे हैं, अल्लाह ताला इनको हर कदम पर और दिन और रात तरक्की अता फरमाए। Thank you.
तो शाम के 6:30 हो चुके हैं और सब लोगों के तकरीबन काम हो चुके हैं और अब हम यहाँ से एम्बेसी से निकलने लगे हैं और यहाँ पर ही हम करते हैं अपनी वीडियो को रैप अप। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।